नमस्कार दोस्तों, मैं सैदुल हक अपने इस यूट्यूब के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हैं तो। अगर आप अपना हैंडसेट किसी को दे रहे हैं या आप अपना हैंडसेट बहुत लोग होता है कि बहुत यूज़ करने के बाद बेच देते हैं, तो आप अपने जीमेल अकाउंट को ज़रूर डिलीट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसका बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। गूगल अकाउंट को डिलीट नहीं करेंगे तो आप दूसरे हैंडसेट में अगर सेम अकाउंट यूज़ करेंगे तो आपका जो भी फ़ोटो वगैरह होता है वो सब बाय डिफ़ॉल्ट उस पर भी बैकअप बनता रहता है। आपने देखा होगा कि आप कोई हैंडसेट लेते हैं, नया लेते हैं और उसमें आप सेम जीमेल अकाउंट डालते हैं तो आपका जो पुराना वाला हैंडसेट होता है उसका पूरा का पूरा फ़ोटो वीडियो इस पे आ जाता है। तो आप ज़रूर डिलीट करें अगर आप अपना हैंडसेट किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं या हमेशा के लिए दे दे रहे हैं और या तो आप बेच रहे हैं, तो अपने जीमेल अकाउंट को ज़रूर डिलीट करें। नहीं तो आपका जो भी मेल होगा मेल भी उस जीमेल के अकाउंट पर आता रहेगा। जैसा कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, मेरा जीमेल का जो अकाउंट है अभी यहाँ पे गूगल अकाउंट जो है इस पर ये मेल आता रहता है। अगर मैं ये हैंडसेट किसी को हैंड ओवर कर रहा हूँ तो ये मेल उस पर बाई डिफ़ॉल्ट जो भी मेल मेरा आएगा उस पर आता रहेगा। तो आप इसको ज़रूर डिसेबल करें, डिलीट करें, उसके बाद ही आप किसी को हैंड ओवर करें। या आपका यूट्यूब होता है वो सब कुछ आपके इसी से कनेक्टेड होता है, आपके गूगल अकाउंट से कनेक्टेड, या यहाँ तक कि आपका जो प्ले स्टोर है इसी से कनेक्टेड है आपके गूगल अकाउंट से। तो आप इसको ज़रूर डिलीट करें। इसको डिलीट करने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट्स पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे टॉप पे आ रहा है गूगल, गूगल पे क्लिक करें। गूगल के बाद आपका जो जीमेल अकाउंट है यहाँ पे शो करेगा, उसी से रिलेटेड सेटिंग्स होंगी। आप लास्ट में देखेंगे अकाउंट प्रेफरेंसेस, आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लास्ट में देखेंगे आएगा डिलीट योर गूगल अकाउंट, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आएगा कौन सा आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जो एप्लीकेशन है गूगल क्रोम और यूसी ब्राउज़र, तो आप गूगल क्रोम पे आप क्लिक करें। इसमें आपको आएगा इंटर योर पासवर्ड, आपका जीमेल का जो पासवर्ड है यहाँ पे आप पासवर्ड दें। पासवर्ड देने के बाद आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो ये अकाउंट है वो डिलीट हो जाता है परमानेंटली। सो आपका जो मिसयूज होने वाला है आप उससे बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो जो भी है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप उस मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो से आपने सीखा होगा, और प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।